आखिर क्यों पल में दीवाना मैं हो गया तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना तुम्हें जो मैंने देखा। हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे डाउनलोड के लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट फाइल यानी कि एक्सएमएल फाइल होगा उन्हें अलर्ट में से आपको इंपोर्ट कर लेना है और फिर अलर्ट में से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है तो यहाँ पे आपको जो है फोटोज ऐड करना है। तो उससे पहले फोटोज को आपको 9:16 में क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पे जो लिरिक्स का लेयर है इसके जो लेयर में एक छोटा सा आपको जो मिल जाएगा एक छोटा सा लेयर, इसके ऊपर टैप करना है, ओके पे क्लिक करना, कलर फील्ड पे जाना, यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना और फिर जिस फोल्डर के अंदर आपका मॉडल का फोटो है उस फोल्डर को यहाँ पे आप सभी को जो है सिलेक्ट कर लेना है और एक फोटो आपको 9:16 में क्रॉप होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को प्लस वाले टैप करके ऐड कर लेना है, उसके बाद बैक चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको और एक छोटा सा लेयर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फील्ड पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है, दूसरे फोटो को यहाँ पे ले लेना है, ऐड कर लेना। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है कुछ छोटे छोटे लेयर देखने को मिल जाएगा। तो इन लेयर पे आप सभी को फोटोज ऐड करना है और हर एक लेयर पे अलग अलग फोटो ऐड करना है। तो इसके लिए टैप करना है, ओके क्लिक करना, कलर एंड फील्ड पे जाना, यहाँ पे जाना है, उसके बाद फोटो को ले लेना, प्लस में टैप करके फोटो ऐड करना है। तो इस तरह से जो है आप सभी को यहाँ तक जो लास्ट तक आपको फोटो ऐड करना है। तो मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे फोटो ऐड कर लेते हैं उसके बाद आगे यहाँ पे ब्लैंक है तो आपको छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और दो छोटे लेयर है तो यहाँ पे टैप करना, ओके पे क्लिक करना, कलर एंड फील्ड पे जाना और यहाँ पे भी आपको जो अलग अलग फोटो ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे आपको जो 3-4 जो लेयर देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों लेयर पे आपको सेम फोटो ऐड करना है। तो चलिए बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना, कलर एंड फील्ड पे जाना, यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे एक फोटो को ले लेना है, प्लस में टैप करना है, उसको बैक जाना है और फिर नीचे जो लेयर है यहाँ पे भी टैप करना है और फिर यहाँ पे वही सेम फोटो ऐड कर लेना। तो इस तरह से इन तीनों लेयर के अंदर आपको सेम फोटो ऐड कर लेना है और फिर इसका आगे जाएंगे तो इसका आगे भी 3 लेयर है तो यहाँ पे भी आपको जो सेम फोटो ऐड करना है। बट यहाँ पे पहले जो 3-4 लेयर पे फोटो ऐड किया था वो फोटो ऐड नहीं करना, यहाँ पे अलग फोटो ऐड करना है बट वही फोटो तीनों लेयर के अंदर ऐड करना। तो ऐड कर लेता हूँ और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 लेयर है तो उसी तरह सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी एक ही फोटो ऐड करना है तीनों लेयर के अंदर। बट पहले जो दो तीनों लेयर पे ऐड किया था वही फोटो यहाँ पे ऐड नहीं करना, आपको अलग फोटो ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पर कर लेते हैं उसके बाद इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है और इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो 3 CC लेयर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से तीनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फिर डबल पे क्लिक करना है, कॉपी 3 लेयर कर लेना है, उसको यहाँ से बैक चले जाना है, सॉन्ग पेज में प्रोजेक्ट को ओपन करना है और फिर यहाँ पे डबल पे क्लिक करना है, फिर 3 लेयर कर लेना, उसके बाद इस प्रोजेक्ट एकदम लास्ट में चले जाना है और फिर यहाँ पे तीनों को लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे लास्ट तक आ जाएगा और एक HDR से लुक देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो इस इफेक्ट को ऐड नहीं भी सकते हो, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इस वीडियो को आपको सेव करने के लिए इसे एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को जो एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस तरह के और भी मस्त वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।